है जी, अभी सिलेंडर खाली हुआ मेरा सवेर के, क्या करूँ मैं, एकली कमाने वाली बेचारी वाकई करेगी, घर चलाओगे, किराया देके क्या करेंगे। किराए का मकान आपका? किराए का मकान है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएम अपो न्यूज। इस समय जब बैठे हैं सात रोड गांव के अंदर, और हमारे साथ जो महानुभव बैठे हैं तेलू राम जी हैं, जो कि जिंदल स्टील एंड स्टील फैक्ट्री के अंदर 10 साल इन्होंने नौकरी की हुई बता रहे हैं, और बाद में इनको जो तकलीफ हुई, इनको पैरालिसिस हो गया, इनको चरम रोग हो गया काम करते हुए फैक्ट्री के अंदर, तो इनको वहां से किसी प्रकार की सहायता ना दे करके इनको अपने हालात पे फैक्ट्री मालिकों फैक्ट्री मैनेजमेंट ने छोड़ दिया है। बात करेंगे इनसे और पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे कि किन हालातों से ये गुजर रहे हैं, किन हालातों में ये जीवन यापन कर रहे हैं, बात करेंगे। तेलू राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, 10 साल सर्विस करी है मैंने। जिंदल स्टील एंड स्टील में कितना सालों में? 10 साल करी है जी। 10 साल? 10 साल करी है। तो 10 साल के बाद आपने वहाँ पे जो आपको पैरालिसिस हुआ, तो क्या सहायता फैक्ट्री के मालिकों द्वारा या फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा दी गई थी आपको? मेरे कोई सहायता नहीं देगी जी, मेरे को तो बाकी नोटिस पे नोटिस मिलते गए, बाद में बोले तेरा नाम काट दिया हमारे ऑफिस। नोटिस किस बात के मिलते रहे? मेरी ड्यूटी का, जो ड्यूटी के लायक नहीं ड्यूटी कैसे करूँगा। तो पैरालिसिस आपको शुरू में हो चुका था, उसके बाद में चरम रोग हुआ या चरम रोग से पहले से आप ग्रसित थे? मैं बिल्कुल ठीक था, पहले तो बेचारे थी होने के बाद हुआ जो कुछ हुआ है। पैरालिसिस के बाद में आपको ये जो चरम रोग है वो हुआ है? देखो जी, एक बार कैमरामैन से कह देना चाहूँगा कि एक बार नज़दीक से ये जो हाथ खराब हुए हुए हैं इनके दिखा देंगे, बिल्कुल चरम रोग जो इनको है, पैरालिसिस इनको है, सिर्फ ये बोल और खा सकते हैं बल्कि चल नहीं सकते। ये हैं तेलू राम, जिन्होंने जिंदल स्टील एंड स्टील को अपने जवानी के 10 साल दिए और उसके बदले इनको क्या मिला, यही जानते हैं इनसे। तो आपको क्या पैसा दिया गया था बाद में जब आपसे नौकरी छीन ली गई? आपको पैसा जो मेरा बना है वो मिला, तो बाकी मैं कुछ पैसा नहीं, कोई हेल्प नहीं की गई? नहीं, कोई हेल्प नहीं की। तो आपके परिवार के व्यक्ति को, किसी को नौकरी, आपकी मैडम को या बच्चे को? मैं बोल रहा था जी। अच्छा, बोला तो बोला दबाव देगा तो कोई नौकरी नहीं है, जैसे प्रेम से मांगती है तो प्रेम से बोल देगी। यानी कि दबाव दोगे तो कोई नौकरी नहीं है? हाँ। और अगर प्रेम से मांगे तो भी नहीं मिली? तो भी मेरे को नौकरी मिलेगी, घरवाली बेचारी कभी कही जाती कभी कही जाती है। क्या काम करती है आपकी घरवाली? कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत फैक्ट्री में काम करती है, झाड़ू झटका का बस, ये घर चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपको? 3 मेरी लड़कियाँ हैं जी, एक लड़की एक लड़का है। लड़कियाँ पढ़ती हैं आपकी? पढ़ती जी, ये 10वीं का एक तो। तेलू राम जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने फैक्ट्री के किस हिस्से में काम किया और क्या काम दिया गया था? और जी, धूल मिट्टी का काम था, एच सब के ऊपर काम था, कभी झाड़ू निकलवा लिया करते, कभी पाउडर भरवाया करते, यानी झाड़ू झटका का गदरा काम था, काम था बेकार काम था, ज्यादा काम था। पाउडर किस तरह का पाउडर? केमिकल पाउडर किस तरह का पाउडर? तो उसके आप आगे डाटते हैं इसको, नीचे कवर करते नीचे और इसका धुआं, वो पाउडर है। यानी केमिकल जो जहरीला केमिकल था जिसमें आपको लगाया गया था? हाँ, से आप जब कवर करते हैं नीचे उसको, वो पाउडर हाथ भी काट देता है जी, शरीर पे भी दाग देता है, उसके अंदर वो जिंक है। जब आपको लगाया गया था तो क्या सुरक्षा उपकरण आपको दिए जाते थे वहाँ पे? सुरक्षा कई बड़े इस बात दिया करते, दस्ताना उसमें काम ही करता और कुछ काम नहीं दिया सुरक्षा। तो केमिकल में आपने 10 साल बिताए अपने? हाँ जी, 10 साल बिताए जी। 10 साल बीतने के बाद मैं थोड़ा बहुत चल नहीं सकया, घर रह जाता, कभी ड्यूटी बराबर ड्यूटी नहीं होती, मिला नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, बाद में जो प्रेस फेंकदा था उसको मिला भी, तेरा नाम काट दिया है तो ड्यूटी लग गई। तो आपको जब रिजाइन लिया गया, आपसे नौकरी से निकाला गया, तो आपके घर में आकर के साइन करवा करके ले गए? मैं जी एक दो बुला इसको इस पर साइन कर दे, हमारी क्यों करे, उन्होंने कोई कुछ भी नहीं है, उसमें साइन कर दे, तो साइन कर दिया जी। अनपढ़ आदमी मेरे को क्या पता क्या लिख रखा है क्या नहीं, मेरे को काला अक्षर में चला पड़े। हालात बद से बदतर होते चले गए, लेकिन शुद्ध
किसी ने नहीं ली, ना तो जिला प्रशासन ने ली और ना ही कंपनी मालिकों ने और कंपनी मैनेजमेंट ने ली। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं तेलुराम की, सात रोड गांव की, जहां पे अपने जिंदगी के सुनहरे 10 साल देने के बावजूद इनको हालात में क्या मिला। ये सिस्टम के जो मार झेल रहे हैं, जो इनको जो शरीर के ऊपर पूरे के एलर्जी है, पूरा पैरालिसिस शरीर है, ये केमिकल का प्रभाव भी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री के मालिक, कंपनी के मालिक इस पे संजीदा ना हो करके इनको अपने हालातों पे छोड़ दिया गया है। तो इसी रिपोर्ट के साथ इनको जो मदद कंपनी के द्वारा की जानी चाहिए थी, इनके परिवार के व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए थी, इनको आर्थिक मदद, जो नाम जिंदल स्टील एंड स्टील का एक नाम है अक्षेत्र के अंदर, जिनके लिए ये कहा जाता था कि जिंदल स्टील एंड स्टील अपने जो वर्कर है उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है, उनके लिए हर दिन रात जो है उनके लिए सोचती है, वो तस्वीर ये देख रहे हैं जो तेलुराम दिखा रहे हैं। यहाँ पे अपने हालातों पे जो बैठे हुए हैं, इनको मदद अब भी जो गुजारिश की जाती है स्टील एंड स्टील कंपनी से, जिंदल से, कि वो ऐसे लोगों को जो इनके लिए काम किया उनके लिए उनको सोचना ज़रूर चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के साथ बने रहिए पीएमएफओ न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।